तेजस्वी कलाकार आप लोगों के बीच में, एक मिनट मास्टर जी थोड़ा सा वॉइस डाउन करो भाई, सुनो अभी ये सॉन्ग आप लोगों के बीच में, देखो नई चीज लेके आया हूँ, पर्चे के ऊपर लिख के ले आया हूँ, आप लोगों की हक की चीज है ये, ध्यान से सुनो, बड़ा आनंद आएगा आप लोगों का, दिमाग चेंज करने की कोशिश करूंगा मैं, अगर आपके दिलों तक पहुंच जाऊं तो ताड़ी बजा देना, नहीं तो जाके बैठ जाऊंगा, स्थान मैंने अपना ले लिया है, झंडू के बराबर में कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ कथानक व्याकरण समझे तो सुरबित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखंद मकरंद हो जाए। ओके बीट कैरी ऑन। हाँ कथानक व्याकरण समझे तो सुरबित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखंद मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता मैं यही मांगता तुमसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता मैं यही मांगता तुमसे, ये युवा पीढ़ी संभल के विवेकानंद हो जाए, ये युवा पीढ़ी संभल के विवेकानंद हो जाए, ये युवा पीढ़ी संभल के विवेकानंद हो जाए, बिना मौसम हृदय कोकिल से भी पूजा नहीं जाता, समझ लेना मैं कहाँ बोल रहा हूँ दोस्तों, भगवान समझ के जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, सिर्फ 5 मिनट आप लोगों के बीच में लूंगा, हर प्रकार के इंसान होते हैं दोस्तों, 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, भाई साहब मेरा दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, और 100 रुपए से और मेरा मान सम्मान करते हैं, ये होते हैं श्रोता, थैंक यू क्या बता दिया। हाँ बिना मौसम हृदय कोकिल से भी पूजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता, वहाँ दूजा नहीं जाता, विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, मगर जो देशद्रोही हो। तारिया चाहूंगा अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो, के बिना मौसम हरिदय कोकिल से पूजा नहीं जाता, और सियासत जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता, विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, भाई साहब मेरा थैंक यू, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, क्या बता दिया। इन लड़कियों के बारे में बेटा सुन लेना, ये भारत की लड़कियां हैं, ये हिंदुस्तान के राजस्थान की छोरियां हैं, जो सीमा के ऊपर बंदूक लेके खड़ी हैं, गर्दन कटा देंगी लेकिन अपने देश की तरफ उठने वाली हर आंख को निकाल लेती हैं और उस बाजू को तोड़ देती हैं। एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ इनके लिए, दो बातें कहना चाहूंगा मैं, और जोर से सुन लेना और बीट थोड़ा डाउन करो ताकि मेरी आवाज इनके दिल और दिमाग तक जाए कैसे। हाँ मैं राजस्थान की बेटी, मैं राजस्थान की बेटी, हर गिज डर नहीं सकती, मैं राजस्थान की बेटी हूँ हर गिज डर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। बेटा बहुत सी ऐसी बच्चियां, बहुत सी ऐसी लड़कियां बैठी हैं जिन्हें पढ़ लिख के डिफेंस में फोर्स में जाके देश की रक्षा करने का मौका मिलेगा, और जब आप वहां पर जाओगी तो आप लोगों की सोच बताता हूं वहां जाकर कैसे बदलती है, क्या बता दिया। मैं राजस्थान की बेटी हूँ हर गिज डर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती, जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सर झुकाते हो, जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सर झुकाते हो, उससे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती, उससे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। और अगली बात में क्या बोलती है वो गुड़िया, मैं भारतवर्ष का हर दिन अमिट सम्मान रखती हूँ, मैं भारतवर्ष का हर दम अमिट सम्मान रखती हूँ, यहाँ की चंदनी मिट्टी का ही गुणगान रखती हूँ, यहाँ की चंदनी मिट्टी का ही गुणगान रखती हूँ, मुझे चिंता नहीं है
स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की मुझे चिंता नहीं है। स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ। ये तो मेरे सामने बेटी हिंदुस्तान की राजस्थान की बेटी की सोच है, लेकिन अब इन युवाओं की सोच बताऊंगा कि किस प्रकार से आज वो चाइना आंख दिखाने लग गया और भारत के सामने चाइना की औकात बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना। हाँ, हमारी सीम में सड़कें बनाएगा तो खतरा है। हमारी सीम में सड़कें बनाएगा तो खतरा है। डोकलाम से सड़क निकाल के ले जाऊंगा, भूटान की सीमा से भारत से होते हुए सड़क निकाल के पाकिस्तान में ले जाऊंगा। खाला जी का बाड़ा है क्या? सन 62 की धमकी देता रे पागल, वो 62 था और अब क्या है सोच ले। पीछे हटने को मजबूर हो गया कि नहीं हो गया? इन चार लाइनों के माध्यम से बताऊंगा चाइना क्यों पीछे हटा, क्योंकि हिंदुस्तान के नौजवान, भारत के नौजवान, राजस्थान की धोरारी धरती के नौजवान सीनाड़ाए खड़े हैं भगत जनों, उनके भय से चाइना पीछे हट गया। सुन लेना ये बातें। हाँ, हमारी सीम में सड़कें बनाएगा तो खतरा है। हमारी सीम में सड़कें बनाएगा तो खतरा है। वो इंडिया लोहे सा मजबूत और वो चीन पतरा है। ये इंडिया लोहे सा मजबूत और ये चीन पतरा है। तू 55 साल पहले की लड़ाई को अड़ाता है। तू 55 साल पहले की लड़ाई को अड़ाता है। वो सन 62 था सुन ले चीन, अब 2017 है। ताड़ी बजाओ खींच के। हाँ, वो सन 62 था सुन ले चीन, अब 2017 है। वो सन 62 था सुन ले चीन, अब 2017 है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको कि आप लोगों ने धार्मिक भजन सुने। आज इस माहौल में जहाँ 5-6 लड़कियां बैठी हों और युवा साथी बैठे हों तो प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी फरमाइश होती है। और बड़ा खुश हूं मैं आप लोगों के बीच में। ये मैंने भजन गाया और चार लाइनें और आप लोगों के बीच में दोहराऊंगा, क्योंकि जोश अभी ठंडा नहीं हुआ है। युवा साथी मेरे सामने बैठे हैं, चार लाइनों की कविता आप लोगों के बीच में गाने के माध्यम से बताऊंगा। उसके बाद में फिर आप लोगों के बीच में धमाकेदार प्रोग्राम लेके आऊंगा। ड्यूट का प्रोग्राम होगा, मैं और अनुराधा ड्यूट गाएंगे, बीच में झंडू होगा। और क्या बता दिया? हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई पीछे, हिंदुस्तान के नौजवान इस घटना को अंजाम दे के आए। ये नौबत क्यों आई वृतांत से बताऊंगा, सुन लेना गौर से। और आप लोगों के अंदर जोश पैदा करने वाला, जुनून पैदा करने वाला सॉन्ग क्या बताया? हाँ, शत्रु आए शकत के गुमान से भरे हुए, जो उनकी सीमाओं में दम उनका निचोड़ दिया। उनकी सीमाओं में दम उनका निचोड़ दिया। भारतीय सैनिकों ने एलओसी करोस करके मौत के तूफानों का भी देखो मुंह मोड़ दिया। मौत के तूफानों का भी देखो मुंह मोड़ दिया। उग्रवादियों ने जो बनाए वहाँ लॉन्च पैड, कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा देखो फोड़ दिया। कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा देखो तोड़ दिया। कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा देखो फोड़ दिया। भारत माँ के लाडलों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पीओ के में जाके आतंकवादी अड्डा तोड़ दिया। पीओ के में जाके आतंकवादी अड्डा तोड़ दिया। पीओ के में जाके आतंकवादी अड्डा तोड़ दिया। आन बान शान का सवाल हो गया था, ये तो उड़ी वाला बदला उतार कर आए हम। उड़ी वाला बदला उतार कर आए हम। भारत का ये मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार कर आए हम। शत्रुओं के रक्त से निखार कर आए हम। उड़ा दिए ठिकाने हमने दहशत करती वाले सारे, चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हम। चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हम। अरे चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हम। और दोस्तों, इन युवाओं को जो दोष देते रहते हैं, कहते हैं किसी काम के नहीं, निकम्मे हैं, डिफॉल्टर हैं, ये तो कमेंट कसते हैं, लेकिन जिस टाइम पर हिंदुस्तान को, इस भारत की मिट्टी को
खून की जरूरत होती है तो सबसे पहले हिंदुस्तान का राजस्थान का जवान आगे मिलता है। भगत जनों एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। ये सिर्फ मनोरंजन की बातें होती हैं, मनोरंजन के टाइम पे ये बातें होती है, लेकिन इन युवाओं का जोश की बात अगर बताता हूँ तो कहाँ पर काम आएगी ये जवानी। रात को 2-2 बजे उठ करके दौड़ रोडों के ऊपर दौड़ लगाते नजर आते हैं झुंझुनू जिले के नौजवान। क्यों? सुन लेना इन बातों में बताऊंगा जो मैं आपको। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कुछ मानी कुछ नहीं मानी जो इन्होंने की है, वही मन मानी आगे जाके काम आएगी, वही मन मानी आगे जाके काम आएगी, वही मन मानी संदीप तोगड़ा। संदीप तोगड़ा 500 रुपए से फिर मेरा मान सम्मान करता है। भाई साहब को भगवान कई लाख गुना ज्यादा बढ़ा करके दे। 500 रुपए से और 100-100 रुपए से। सूरज ठेकेदार, किस चीज का ठेकेदार है नहीं तो बता दे। ठेके भी कई प्रकार के हैं, दारू वाले ठेके ठीक ठाक चल रहे हैं ना, भगवान और ज्यादा चलावे। मिलावट मत करियो, ईमानदारी की बेचना, भगवान और ज्यादा देगा। जोरदार ताड़ी बजाओ ठेकेदार के नाम से, भगवान इनको कई लाख गुना ज्यादा बढ़ा करके दे। हाँ, इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। गलतियाँ हो गई तो कोई बात नहीं, जो की है इन्होंने वो मनमानी काम आएगी, मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशु पाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अलड़ सी यही नौजवानी काम आएगी, अलड़ सी यही नौजवानी काम आएगी, अलड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। अलड़िया गार्मेंट्स नंगली से 200 रुपए देते हैं, भगवान इनको कई लाख गुना ज्यादा बढ़ा करके दे। हाँ, जब भी जरूरत पड़ेगी यहाँ खून की तो अलड़ सी यही नौजवानी काम आएगी, अलड़ सी यही नौजवानी काम आएगी, अलड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। अरे शीश कटवाने का कर्ज जो चढ़ाया गया, दुश्मन को मार के कर्ज वो चुका दिया, दुश्मन को मार के कर्ज वो चुका दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया, सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे नीचे सीने हम अड़ाते रहे, भारत माँ को एक भी ना घाव लगने दिया, भारत माँ को एक भी ना घाव लगने। और जो लाइन अभी मैं गाऊंगा, थोड़ी देर पहले मैंने एक बात रिपीट की थी कि मैं यहाँ चाहे प्रोग्राम कम करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने जहाँ मेरे को पहुँचा दिया, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। ये चौथी लाइन जो मैं गाऊंगा, इंडिया गेट के ऊपर 23 जुलाई को प्रोग्राम था, वहां पर गौतम गंभीर क्रिकेटर बैठा था, वीके सिंह जनरल हमारे चीफ एक्स आर्मी चीफ बैठे थे, रक्षा विशेषज्ञ बख्शी जनरल जी बैठे थे, जनरल बख्शी जी, और वेंकट नायडू उपराष्ट्रपति भी वहीं पर मौजूद थे। और ये चौथी लाइन जब मैंने गाई उनकी तरफ इशारा करके, तो उन्होंने उठ के ताड़ी बजाई और मेरे को वहीं पर बुलाया और पूरे इंडिया को देशभक्ति प्रोग्रामों का जिम्मा दे दिया मेरे को, जो प्रोग्राम प्रधानमंत्री कार्यालय से मेरे बनेंगे अभी 2-4 दिन के बाद में, 3 तारीख से शुरू है। वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों ये चौथी लाइन सुन लेना, अगर आपको भी ये चौथी लाइन अच्छी लगे तो ताड़ियों की गड़गड़ाहट चाहूंगा और मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों के मैं समझ में आ चुका हूँ। 3 लाइनें पहले ये रिपीट करूंगा, चौथी लाइन सुनना ध्यान से, क्या बता दिया। शीश कटवाने का कर्ज जो चढ़ाया गया, दुश्मन को मार के कर्ज वो चुका दिया, दुश्मन को मार के कर्ज वो चुका दिया। देश की सुरक्षा है तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया, सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे नीचे सीने हम अड़ाते रहे, भारत माँ को एक भी ना घाव लगने दिया, भारत माँ को एक भी ना घाव लगने दिया। आप समझौते वाली मेज पे ना जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। अरे आप समझौते वाली मेज पे ना जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया, अरे चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा। और अभी जो 4 लाइनें भजन के आखिरी में दोहराऊंगा, ये पूरा प्रोग्राम एक साइड और आज की ये 4 लाइनें एक साइड, गुस्सा आता है मेरे को। ये भजन मैंने डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर और पाकिस्तान के बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, और आज भी आप लोगों के बीच में कैमरे चल रहे हैं, यूट्यूब पे डालूंगा, मेरे पे पाकिस्तान फिर सुनेगा। और बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के राजस्थान सूबे के झुंझुनू जिले के चारावास गांव में प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं, और छाती ठोक के आज मैं बोलता हूँ,
कहां तुम रट लगा के रखते हो, कश्मीर चाहिए, कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर छीन लेंगे। खाला जी का बाड़ा है क्या कश्मीर छीन लेंगे? अरे खाला जी का बाड़ा है क्या कश्मीर ले लेंगे? अरे राजस्थान की धरती है ये, और ये राजस्थान का जवान तो अगर ट्रेन में बैठ जाए और खिड़की में बैठ गया तो बराबर वाली सीट भी नहीं देता दूसरे को, और तू कश्मीर ले लेगा इनसे, झुंझुनू के जवानों से कश्मीर छीन लेगा तू। वेरी गुड, थैंक यू। और ये लाइनें सुनना चार, मजा आ जाएगा, मान जाओगे वाक्य में फौजी दाना बांध दिया। संदीप तोगड़िया बहुत ही देशभक्ति विचार लगते हैं, भाई के 501 रुपए से फिर मेरा मान सम्मान करते हैं, भगवान इनको कई लाख गुना ज्यादा बढ़ा करके दे। और सुन लेना भाई वो चार लाइनें, हाँ औकात याद दिलाऊंगा औकात, अरे कहां भारत और कहां पाकिस्तान, सुन लेना गौर से क्या बता दिया। हाँ जितना है साल का बजट तेरा पाकिस्तान, उतने का हम यहाँ घास फूस लेते हैं, उतने का हम यहाँ घास फूस लेते हैं। जितने का बम और गोला तेरे पास रखा, उतना दिवाली पे पटाखे फूंक देते हैं, उतने दिवाली पे पटाखे फूंक देते हैं, उतना दिवाली पे पटाखे फूंक देते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना हमारे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं, उतना हमारे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं, अरे उतना हमारे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाकिस्तान, उतना आवारा यहाँ कुत्ते भौंक लेते हैं, उतना आवारा यहाँ कुत्ते भौंक लेते हैं, अरे उतना आवारा यहाँ कुत्ते भौंक लेते हैं। जितने का धुआं तेरे कारखाने देते होंगे, उतने का साधु जी चिलम फूंक देते हैं, उतने की साधु जी चिलम फूंक देते हैं, अरे उतने का साधु जी चिलम फूंक देते हैं। फौजी करमवीर बोले सुन ले तू पाकिस्तान, उत्तर तुम्हें हम आज ये अचूक देते हैं, उत्तर तुम्हें आज हम अचूक देते हैं, अरे उत्तर तुम्हें हम आज ये अचूक देते हैं। जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतना बिहारी पान खा के थूक देते हैं, उतना बिहारी पान खा के थूक देते हैं, अरे उतना बिहारी पान खा के थूक देते हैं। क्षमा चाहूंगा और दिल की गहराई से स्वागत करूंगा आपकी सोच का, आपके विचारों का। ये होते हैं श्रोता, अच्छी बातें सुनने वाले भी हैं, एंटरटेनमेंट मनोरंजन भी जरूरी है और ये अच्छी बातें भी जरूरी हैं। आप लोगों ने निहाल कर दिया मेरे को, दिल की गहराइयों से बार बार स्वागत करता हूं मैं। और ये भाई जो ये धनराशि मेरे ऊपर आशीर्वाद के रूप में वार रहे हैं देशभक्ति गीत पे खुश होके, इंदराज सिंह अध्यापक टीचर है भाई इंदराज सिंह। देखो अध्यापक होते हैं ये, बच्चों को ऐसी ऐसी बातें सिखाते हैं, इसीलिए इनको ये बात अच्छी लगी, 501 रुपए से मेरा मान सम्मान करते हैं। टीचर हैं भाई ये इंदराज सिंह, एक बार जोरदार ताड़ी चाहूंगा मैं अध्यापक जीओं के लिए। थैंक यू जी मास्टर जी, दिल की गहराइयों से स्वागत है, मैं समझता हूँ आप लोगों की भावनाओं को। और उसके बाद में फिर मेरा अनुराधा तैयार रहना, तुम मेरा इसका ड्यूट सॉन्ग होगा, चिंता मत करो, इसी प्रकार से सहयोग करते रहो और प्रोग्राम बहुत बढ़िया आप लोगों के बीच में रखा जाएगा।